भगवानगंज से सरकारी स्कूल में चोरी, चोरों ने स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी कक्ष से चोरी किया पंखा। भगवानगंज स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने हाथ साफ करते हुए स्कूल से एक पंखा, बाल्टी, मग्गा, खिड़की समेत कई सामानों पर हाथ साफ किया है। स्कूल के अध्यापक ने बताया कि स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी कमरे से भी कई सामान चोरी किए गए हैं, जिसकी लिस्ट बनाकर थाने में दे दी गई है। पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज है, इसमें 29 सितंबर की रात को एक जो कार्यालय की खिड़की है उसको तोड़ के जो अंदर घुसे और एक पंखा उतार के ले गए और चार पांच बाल्टियां, मग्गे और एक बड़ी स्टील की टंकी ले गए और विद्यालय में एक आंगनबाड़ी संचालित है, उस आंगनबाड़ी का भी उन्होंने ताला तोड़ दिया और उसमें बच्चों के सामान, कई सारी प्लेटें, उनकी वेट मशीनें और भी छोटे मोटे जो आंगनबाड़ी के सामान हैं बच्चों के, वो सारे ले गए। उसके पास में एक कक्ष है, उसका भी ताला तोड़ दिया उन्होंने और ये जो खिड़की है इस खिड़की को तोड़ के ले गए। आपने थाने में रिपोर्ट की? हाँ, रामगंज थाने में एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई है, उसमें जो सामान खोया है उस सामान की लिस्ट बना के हमने वहाँ थाने में पहुँचा दी है। ये स्कूल कहाँ पर है, कौन सा स्कूल है? ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज है, जो भगवानगंज में ही स्थित है और इसके अंदर स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी भी चलती है? हाँ, आंगनबाड़ी इसी विद्यालय में संचालित है। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मैं मनोज कुमार वर्मा, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज।